दोस्तों, अभी हमारे पास दो तरह के एलईडी बल्ब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, एक ड्यूपी का है और एक ड्राइवर में एलईडी बल्ब मौजूद है। दोनों की अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखाएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। पहले हम इसको खोलेंगे। ये एक ड्यूपी वाला बल्ब है जो कि मार्केट में आपको सस्ते दामों पर मिल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा चौराहों पर 100 रुपये के 5 वाले आइटम में मिलेगा। और ये एक ड्राइवर का बल्ब है जो कि गारंटी में आपको मिलेगा। ये बल्ब, इसकी क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों आप देख सकते हैं कि ये महंगा वाला बल्ब है और ये सस्ता वाला बल्ब है। तो इन दोनों के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि ये एक डीओपी का बल्ब है। इसमें आप देख सकते हैं ओनली सिर्फ पीसीबी लगी रहती है जिसमें बल्ब फिटिंग होती है। और दूसरा, ये हमारा ड्राइवर वाला बल्ब होता है जो कि एक बेहद अच्छी क्वालिटी का बल्ब माना जाता है। दोनों में अंतर हम बताएंगे कि अंतर होता क्या है, कि कैसे आप बल्ब को देखकर ही खरीदें ताकि कहीं आप फंसे ना, नहीं तो आप पैसा भी इन्वेस्ट कर देंगे और अच्छी क्वालिटी का बल्ब भी आप नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारे चैनल पर लगातार आप बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं कि ये एक पीसीबी हैं और हमारे हाथ में दो तरह की पीसीबी मौजूद हैं। इसमें देखिए, कभी कभी आपने कहा हो, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमें सस्ती पीसीबी मिल जाती है या मार्केट रेट पे, या जैसे कि आप लोग बताते हो उसके अकॉर्डिंग हमें सस्ती पीसीबी मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्वालिटी, ये देखो साइज़ भी डिफरेंस होता है, छोटी होती है, और इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जो है इस क्वालिटी में ये पीसीबी लगी हुई है जो कि बेहद अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ये एक ड्राइवर वाली पीसीबी होती है। इसमें आप देख सकते हैं, मैं काउंट करके आपको दिखा दूंगा कि इसमें 9 एलईडीज लगी होती हैं। ये आप 9 एलईडी इसमें लगी हुई हैं जिसके माध्यम से इसमें पूरे में उजाला बेहतर तरीके से होता है। तो ये एक बेस्ट क्वालिटी के एलईडी बल्ब माना जाता है, क्योंकि आपको एक बार ख़रीद लेंगे तो एक साल की वारंटी के साथ ये बल्ब मिलता भी है और वो लंबे समय तक चलता भी है। दोनों में डिफरेंस होता है, जो डीओपी का बल्ब होता है वो उतनी क्लैरिटी या उतनी शाइनिंग बल्ब में नहीं रहती है। बल्ब हल्का भी रहता है और गिरने से टूटने का भी डर रहता है। जो ड्राइवर वाला बल्ब होता है वो बेहद अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। दोनों को आइए हम जला के दिखाते हैं। हमारा ये स्विच बोर्ड है, होल्डर लगा है, इसमें हम पहले ड्राइवर वाला बल्ब आपको जला के दिखाते हैं कि दोनों में डिफरेंस रहता है। मैंने स्विच ऑन किया, आप देख सकते हैं कि इसमें लाइटिंग बहुत तेज़ी से होती है। मैंने ऑफ कर दिया और अब चलते हैं, आपको डीओबी वाला बल्ब दिखाते हैं। अब हालांकि कैमरे के माध्यम से उतनी क्वालिटी क्लियरिटी आप नहीं देख पाएंगे, देख सकते हैं ये भी काफ़ी उजाला देता है, लेकिन ड्राइवर वाले बल्ब के अकॉर्डिंग ये उजाला देने में कम रहता है, कि इसमें कम उजाला रहता है क्योंकि ये उतनी बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक चलता भी